तो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 11 पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स अब खत्म हो चुका है एंड एक और नील बाइटिंग मैच था ये 200 के करीब मतलब दोनों टीमों ने स्कोर किया है। तो क्या था इस मैच का रिजल्ट पहले मैं आपको ये बताऊंगा एंड अगर आपको इस मैच का हाइलाइट्स देखना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा आप इस मैच का हाइलाइट्स कैसे देख पाओगे रिजल्ट बताने के बाद। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस टॉस हुआ, टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग कर रहा है, लेकिन इधर वैसा ही देखने को मिला जैसे यूजुअली हमें देखने को मिलता है, टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहती है। पंजाब किंग्स यहाँ पे ओपनिंग करने आई, पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आए केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल। दोनों के बीच हमें एक बार कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली और लास्ट सीजन वाले मयंक अग्रवाल एंड केएल राहुल वापस आ चुके हैं आप कह सकते हो। 12 ओवर 4 बॉल पे ही दोनों प्लेयर्स के बीच 122 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसके बाद मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट गवा दिया 69 रनों पे। सिर्फ 36 बॉल पे स्कोर किया था 69 रन, 4 छक्के, रबाडा को वो 2 कमाल के छक्के लगाए थे, 7 चौके भी थे। इसके अलावा केएल राहुल ने भी 51 बॉल पे 61 रन स्कोर किया, लेकिन वो थोड़ा और तेज खेल सकते थे मैं ऐसा कहूंगा। एंड में शाहरुख खान एंड दीपक हुड्डा के से भी हमें एक अच्छा नॉक देखने को मिला। दीपक हुड्डा ने 13 बॉल पे 22 रन स्कोर किया और शाहरुख खान ने सिर्फ 5 बॉल पे 15 रन स्कोर कर दिया, जिसके कारण पंजाब किंग्स 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे 195 रन बना पाई। गेंदबाजी की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो गेंदबाजी से क्रिस वोक्स ने एक विकेट लिया लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। लुकमान मेडीवाला ने भी एक विकेट लिया लेकिन वो भी बहुत महंगे साबित हुए, उसका रीज़न पहला ओवर था। कगिसो राहबड़ा ने भी एक विकेट लिया, बहुत महंगे साबित हुए। अविस खान को भी एक विकेट मिला 4 ओवर में 33 रन देके। अब 196 रन का टारगेट चेस करना था दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने आए पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन, एंड जो हमें चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट इन दोनों प्लेयर्स के बीच पार्टनरशिप देखने मिली थी वैसा ही कुछ देखने को मिला। सिर्फ 5 ओवर 3 बॉल पे ही दोनों प्लेयर्स ने 59 रन स्कोर कर दिया, जिसके बाद पृथ्वी शॉ आउट होकर 17 बॉल पे 32 रन बना के बहुत अच्छा खेल रहे थे पृथ्वी शॉ। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने डेब्यू किया दिल्ली के लिए, कुछ खास नहीं कर पाए, 12 बॉल पे 9 रन बना के आउट हो गए। धन ऋषभ पंत आए एंड बहुत टाइम तक आप कह सकते हो धीरे धीरे खेल रहे थे, बिकॉज जो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे शिखर धवन वो बहुत तेजी से रन बना रहे थे। शिखर धवन ने 49 बॉल पे 92 रन बनाया, 190 के करीब का स्ट्राइक रेट था। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए जिनसे हमें एक तेज नॉक देखने को मिला, एंड उसके बाद ललित यादव भी आए ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद। ललित यादव ने 6 बॉल पे 12 रन बनाया 2 चौके के साथ, एंड मार्कस स्टोइनिस ने 13 बॉल पे 27 रन 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से, और इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से जीत लिया, या फिर आप कह लो 10 बॉल रहते जीत लिया। 18 ओवर 2 बॉल पे ही दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट के नुकसान पे 198 रन स्कोर कर दिया। पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप ने एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट लिया, एंड कप्तानी मुझे थोड़ी अजीब सी लगी बिकॉज अर्शदीप अच्छा कर रहे थे, सबसे अच्छी इकॉनमी अगर आप देखो तो उन्हीं की है, तो उनसे 4th ओवर क्यों नहीं डलवाया, शायद एंड का सोच रहे थे कप्तान, लेकिन एंड तक मैच गया ही नहीं। इसके अलावा जाय रिचर्डसन को 4 ओवर में 2 विकेट जरूर मिला लेकिन उन्होंने 41 रन दे दिया। राइली मेरेडिथ ने सिर्फ 2 ओवर 2 बॉल पे 35 रन दे दिया, मतलब बहुत पिटाई हो रही है। वैसे वानखेड़े सबकी पिटाई होती है इधर, एंड सेकेंड इनिंग में अगर आप गेंदबाजी करते हो तो बहुत पिटाई होती है, तो इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने आराम से जीत लिया। तो गाइस ये तो था इस मैच का रिजल्ट्स, अब अगर आपको इस मैच का हाइलाइट्स देखना है देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाओ एंड टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे मैंने आप सभी के साथ इस मैच का लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा का पूरा हाइलाइट्स देख सकते हो, तो जाओ। और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अभी के लिए बस इतने वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगे आपको, शेयर की लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।